नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुकेटिव ट्यूटोरियल्स के ऊपर। मैं हूं आपका मेंटर निशान और आज की क्लास है हमारी क्लास नंबर 39। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑटो अलाइन लेयर और ऑटो ब्लेंड लेयर का ऑप्शन। तो बहुत छोटी सी क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखते रहे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर दे। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोनों के ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे एडिट मेन्यू में मिलेंगे, ऑटो अलाइन लेयर और ऑटो ब्लेंड लेयर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑटो अलाइन लेयर देखने वाले हैं। तो ये करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे दो इमेजेस ली हुई हैं। आप देखोगे तो दोनों भी इमेजेस देखने के लिए सेम है। और अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इस ऊपर वाले लेयर को, तो आपको दिखेगा कि ये जो वास है इसके हाथ में यहाँ पे ब्लर है और इस लेयर के ऊपर ये एकदम फोकस में है। तो ये दोनों भी जो फोटो है ये आप देखोगे तो इस फोटो में काम को ये पोर्शन नहीं चाहिए और इस फोटो में काम को ये पोर्शन चाहिए। तो ऑटो अलाइन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना सा, ठीक है, और हमको यहाँ पे न्यू सिलेक्शन में रहना है और इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सिलेक्ट में जाके इसको इन्वर्स कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं डिलीट कर दूंगा तो आपको दिखेगा कि ये प्रॉपरली यहाँ पे इसी जगह पे सेट हो चुका है। अगर ये यहाँ पे सेट नहीं है, ठीक है, तो ऑटो अलाइन इसके ऊपर काम करता है कि अगर ये सेट नहीं रहेगा तो ये हमारे लिए काम करेगा। अगर आपने ऐसे बहुत सारे फोटोज लिए होंगे बाहर के एरिया में कहीं पे और आपको ऐसा सेट करना है कोई भी चीज, तो फोटो जो है वो मैच होना चाहिए, प्रॉपर उसी चीज का फोटो होना चाहिए, अलग अलग एंगल से या तो अलग अलग थोड़े से आप यहाँ वहाँ शिफ्ट वगैरह आपको फोटो लिया रहेगा तो ये काम करेगा। तो इसमें अगर मुझे करना है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको जान उसको ऊपर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे भी छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। और उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा एडिट मेनू में और मैं इन दोनों को सिलेक्टेड रखना है। आपको ऑटो अलाइन लेयर के ऊपर क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पे जो ऑटो वाला ऑप्शन है उसी को सिलेक्ट करना है, बाकी आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं रखना है, सिंपली ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि जो ऊपर छोटा सा दिख रहा था वो ऑटोमेटिकली इसने क्या कर दिया है कि यहाँ पे इसको रिसेस करके सेट कर दिया है। तो ये काम करता है हमारा ऑटो अलाइन लेयर। तो आपके अलग अलग आप इमेजेस के ऊपर चेक कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे के ऑप्शन की तरफ। जो आगे का ऑप्शन है हमारा वो है ऑटो ब्लेंड लेयर। तो इसके लिए भी मैं सेम एग्जाम्पल यूज करूंगा, इसमें मैं इसको सबको अंडू कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए हमको क्या करना है कि जो हम मैनुअली करेंगे ये ऑप्शन हमको करके देगा कि जैसे कि मुझे इस फोटो में से ये पोर्शन नहीं चाहिए और ये चाहिए, और जो ऊपर वाला फोटो है हमारा उसमें हमको ये पोर्शन चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो ये चीजें हम मास्किंग के द्वारा भी कर सकते हैं, मास्क यूज करके भी कर सकते हैं, या तो हम सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दिखाया। और हम बिना ये चीजें किए भी हम इससे एक क्लिक में हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, ठीक है, इसको आपको अनलॉक कर देना है, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट कर दो, इसको आपको अनलॉक कर देना है यहाँ पे। और फिर आपको सिंपली यहाँ पे जाके इसको कर देना है ऑटो ब्लेंड। और ठीक है, यहाँ पे मैं टैग रखता हूँ, पैनोरामा रखोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे टैग रख के ओके कर देता हूँ। फिर आपको वेट करना है थोड़ा सा, आपको दिखेगा कि इसने यहाँ पे जो अनवांटेड चीज है उसको यहाँ पे मास्क कर दिया है। आप देखोगे तो यहाँ पे इसको इसने मास्क कर दिया है। और मैं इसको डिसेबल करता हूँ यहाँ पे तो दिखेगा आपको, ठीक है, जो अनवांटेड पोर्शन था उसको उसने हटा दिया और जो क्लियर पिक्चर था उसको ही उसने रखा है। और दोनों का यूज करके उसने आपको एक नया इमेज क्रिएट करके दिया है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, या तो मर्ज कर सकते हो यहाँ पे मर्ज लेयर, आपका ये प्रॉपरली एक फोटो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैनुअली करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाता है। तो ये जो ऑप्शन है आप यूज करके देख सकते हो, बस यही था इन दोनों ऑप्शन का यूज। तो आई होप आपको ये दोनों भी ऑप्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, और अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप उन लोगों को शेयर करें जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह सीखना चाहते हैं। तो जरूर आप उन्हें शेयर कीजिए। तो ऐसे वीडियोस लगातार देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी हिट कर दे
ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।